राम राम है भाई सभी भाइयों को, हैशटैग राम राम ये आर्मी लगा दो भाई पूरा। खैर भाई टाइटल आपने देख लिया होगा मेरे, मतलब मेरे को इतना मजा आता है ना कि भाई मेरी जो जनता है इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि सब कुछ उन्हें पहले ही समझ आ जाता है। तो अच्छी बात है कि भाई अपने साथ साथ भाई लोगों की नॉलेज भी बढ़ रही है। दूसरी चीज भाई, ये जो चीज आज वीडियो लेके आए बहुत कम होती देखी होंगी आपने। क्यों? क्योंकि ऐसा आमतौर पर पॉसिबल नहीं कि कोई गाड़ी स्ट्रेट एकदम पहाड़ पर चढ़ जाए, मतलब थोड़ी बहुत इन पे रैंप रूम पे चढ़ने में दिक्कतें आ जाती हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे तो पूरे पहाड़ की बात है कि पहाड़ पे चढ़ रही हूँ नहीं, मतलब रेतीला पहाड़ है, पूरा पत्थर वाला है, मस्त फिसलने वाला जैसा है, उस पर गाड़ी चढ़ रही है। तो भाई 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है भाई ने, तो भाई कुछ ना कुछ तो खासियत होगी उसमें। एंड तक देखोगे भाई मजा आ जाएगा इस वीडियो में। दूसरी चीज भाई, आपको मेरे से और कैसी कैसी वीडियोज चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं सारी की सारी अपने भाई लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा भाई, पूरी की पूरी वीडियो लेके आऊंगा। और दूसरी चीज, अगर मेरे से बातचीत करनी हो तो भाई इंस्टाग्राम पे कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे मैं ऑलमोस्ट एक्टिव ही रहता हूँ, आप लोगों के रिप्लाई पे कर दिया करूँ, ठीक है? तो भाई बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट कर। ओके गाइस, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोस देख पाएं, और उसके बाद इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ओहो भाई गाड़ी देख रहे हो, मतलब उतरते भी ऐसी लग रही है पहाड़ से कि भाई हाँ कुछ चीज़ है जिसमें दम है। और भाई खुद सोच सकते हो इसके अंदर जब कोई बैठा होगा तो उसको कैसा फील हो रहा होगा कि भाई पहाड़ से खुद उतर रहे हैं। तो भाई ये जो गाड़ी है, ये जो वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था। ये थोड़ी कमर्शियल वीडियो और मैं लेके आया हूँ, उसमें भी दिखा रखा है गाड़ी जो है पहाड़ पोड़ से चढ़ती है, बट रियल की जो वीडियो लास्ट में मिलेगी आपको वो आप देख सकते हैं, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है? तो भाई इस गाड़ी में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके जो टायर टो हैं अपने आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, और उसकी वजह से देख सकते हो आप, उसकी वजह से जो है गाड़ी मतलब पहाड़ पुड़ों पर आराम से चल जाती है और पलटती नहीं है। और भाई फिर वही बात है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है तो ये सब चीज़ें तो इसमें आएंगी ही, पर भाई मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि भाई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी निकल जाए और रुके ना। और भाई एक चीज़ और, ये गाड़ी आपको आगे से देखने में थोड़ी थोड़ी सुमो जैसी लगेगी, सॉरी अपनी बुलेरो जैसी। मैंने एक वीडियो बनाया था अपने इंडिया में जो है जुगाड़ पेच करके बुलेरो को मर्सिडीज़ का ये बना देते हैं जी क्लास जो है गाड़ी। तो भाई ऐसी कुछ है गाड़ी, और मतलब कहीं से भी ले जाओ इसको, कहीं से भी ले जाओ। गाड़ी इसलिए बनाई कि भाई लग्जरी के साथ लग्जरी, और ऑफ रोडिंग में अगर आप चाहते हो ना, ऑफ रोडिंग भी इसमें बेमिसाल कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, पहाड़ ऊपर उबड़ खाबड़ जगह, गड्ढे, रेत, टिब्बे, कहीं से भी ले जाओ गाड़ी आराम से एकदम निकल जाएगी। ये तो आपको दिख ही रहा होगा भाई, गाड़ी ऊपर नीचे चढ़ रही है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो पावर है इस गाड़ी में। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि भाई इसके अलावा कौन सी गाड़ी है जो ये सब कर सकती है। मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगा था, मेरे को एक जीप की गाड़ी पता है, नाम मैं लिख दूंगा, आपको बताओगे तो आप बताओ भाई कौन सी गाड़ी जो है मर्सिडीज़ जी क्लास के अलावा ऐसी कौन सी गाड़ी है जो ये सब कर सकती है या फिर इससे भी अच्छा कर सकती है। और भाई बुलेरो की मैं नहीं कह सकता क्योंकि बुलेरो में मतलब ऑब्वियसली बात है भाई 1.5 करोड़ की, और बुलेरो अपनी छोटी है। अब वो चीज़ ज़रूरी है, बुलेरो आराम से पेड़ इनमें से पानी में से निकल जाए, कीचड़ में से निकल जाए, पावर बेमिसाल है अपनी इंडिया की गाड़ी में। पर ये चीज़ मैं नहीं कह सकता भाई पहाड़ पर ऐसे चढ़ सकती है नहीं, जैसे ये मर्सिडीज़ की जी क्लास चढ़ रही है। पहाड़, बर्फ, पानी, अंधी धुंध, कहीं पे भी इस गाड़ी को आप ले जाओ आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ का तो भाई मैं कायल हूँ इस गाड़ी का कि आप कहीं पे ले जा सकते हो। अब मेन चीज़ आती है कि भाई आज मैंने क्या देख के वीडियो बनाई। तो भाई अब स्क्रीन पे आपको सामने एक वीडियो दिखेगी जिस पे रियल लाइफ टेस्ट करा गया। ये तो कमर्शियल था, कमर्शियल में तो कुछ भी दिखाते, अब जो है रियल लाइफ टेस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, ये जो है ये भी मर्सिडीज़ जी क्लास है, और भाई ऊपर चढ़ेगी ना जब, मतलब खुद आप अंदाज़ा लगा लोगे कि इस गाड़ी में कितनी ज़्यादा पावर है। अभी देखना, ये देखो भाई, ये देखो चढ़ने लगी, तो भाई एकदम उस पर चढ़ा देता है, खड़ी चढ़ाई पे। मतलब खड़ी चढ़ाई पे कोई गाड़ी चढ़ जाए इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा भाई, ऐसे किसी गाड़ी को चढ़ते देखा है? भाई मैंने तो चढ़ते देखा नहीं, आपने देखा हो तो बताओ। स्लो मोशन में और दिखा दूँ आपको थोड़ा कि स्लो मोशन में भी अंदाज़ा लग जाए कि भाई गाड़ी जो है वो कैसे चढ़ने लग रही है, और उससे भी आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा भाई। मतलब सच्ची में प्यार हो गया इस गाड़ी से। अब देखना स्लो मोशन में, ये देखो भाई ये चढ़नी शुरू होगी, और पूरी एकदम ऐसा भी नहीं कि मतलब रैंप टाइप सा बना हुआ हो या फिर कोई तिकड़म लगा के करो, भाई पूरी एकदम स्ट्रेट चढ़ाई पे एकदम चढ़ा दी, और वो भी ग्रिप ग्रुप के बिना। तो भाई क्या मज़ेदार गाड़ी, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये गाड़ी आपको, मेरे को तो एक नंबर की लगी भाई। हाँ तो भाई आपने देखा होगा भाई मर्सिडीज़ जी वैगन है भाई, मतलब तहे दिल से मैं इस गाड़ी की इज्जत करता हूँ बहुत ज़्यादा, पावर इतनी ज़्यादा बेमिसाल है। पर वही बात है ना भाई, 1.5 करोड़ रुपए यानी कि कम से कम भाई अपने नॉर्मल घर की तो 50 गाड़ियाँ आ जाए इस कीमत में, तो भाई 1.5 करोड़ की कोई गाड़ी लेता है तो इतना सब तो होना निश्चित ही है। पर भाई देख के मज़ा आया कि भाई इतनी ज़्यादा पावर है, अंत पावर है गाड़ी में कि भाई सीधी ऊपर चढ़ रही है बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी कमजोरी, मतलब यूँ भी नहीं कि हाँ एक बार बीच में खरखर खरखर करी हो या कुछ भी करी हो, सीधी एकदम फ्लैट ऊपर चढ़ गई। तो भाई कितनी दिलचस्प थी ये वीडियो, आपने खुद ने देखा होगा। यार भाई वीडियो कैसी लगी
भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो बुरा, और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर अपने धीरे बढ़ रहे हैं थोड़े, अभी 2130 ही हुए हैं, कम से कम इतना तो करो जल्दी जल्दी कि 10,000 हम लोग पहुंचे, अगर स्पीड से गए तो भाई एक साल लग जाएगा पूरा। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और शेयर नहीं करोगे तो सब्सक्राइबर आएंगे कैसे। खैर भाई मेरे को अपने भाई लोगों पूरा विश्वास है, #आर्मी। बाय बाय, धन्यवाद।